अपने किसी बेटे को कारोबार में शरीक करते हैं, आप कारोबार है, जाहिर सी बात है आपको बाहर वाले आदमी से ज़्यादा बेहतर अपनी औलाद है, अपनी औलाद को देना भी है, अपनी औलाद को संभालना भी है, उनके मुस्तकबिल को संवारना भी है, और आपके बाद मेरे बाद यह है भी मेरी औलाद का, तो मेरी औलाद मेरे साथ कारोबार में शरीक हो, बहुत अच्छी बात है। अपनी औलाद को जब कारोबार में शरीक करें तो हर चीज़ बिल्कुल वाजे कर लें, वो बेटा नौकर नहीं है आम नौकरों की तरह, क्योंकि नौकर मुलाजिम जो दुकान पर काम करते हैं, जो आपके ऑफिस में आते हैं, जो आपकी फैक्ट्री पर काम करने के लिए आते हैं, कोई मैनेजर है कोई है, बेटा उस तरह नहीं है, वो 10 से 6 की ड्यूटी नहीं देता बेटा। आपके पास काम करने वाले अफराद, उनको परवाह नहीं है आपका मुनाफा हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आपके कहाँ से आप माल ले रहे हैं, कब पेमेंट आनी है, कब क्या है, वो आपके ऑर्डर पर चलते हैं, उनको अपनी तनख्वाह से मकसद है। बेटा ऐसा नहीं है, बेटा जब कारोबार में शरीक होता है तो उस कारोबार को अपना समझ के वो उसको अपना खून पसीना देता है। जब वो इस तरीके से शरीक हो रहा है तो उसके हिस्से को मुतय्यन कीजिए, उसकी बहुत सारी शक्लें बन सकती हैं जो आप शरी एतबार से दुरुस्त करार दें, ताकि इसके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, इस बच्चे के साथ जो मेरे साथ कारोबार में शरीक है। दीगर बेटे छोटे हैं, दीगर जो बेटियाँ हैं वो तो कारोबार में शरीक नहीं होती, वो अपने घरों की होती हैं, उनका भी हिस्सा है इस कारोबार के अंदर। तो मैं अपने बेटे को जब कारोबार में शरीक करता हूँ तो उसके लिए बिल्कुल वाजे करो, या तो उसके साथ पार्टनरशिप करो कारोबार में, उसका कुछ हिस्सा हो, उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट हो, वो चाहे मैं ही उसे कर्ज़े के तौर पर दे दूँ, वो कर्ज़ा मैं उससे वापस लूँ जब वो कमाए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी जो भी चीज़ बनती है वो मैं उसको कर्ज़े के तौर पर देकर उसको अपने साथ कारोबार में शरीक करूँ। अब उसकी परसेंटेज मुतय्यन होंगी, जी इसका इतना परसेंट पैसा लगा हुआ है, उस परसेंटेज के हिसाब से उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर ये इस कारोबार में शरीक है, हम दोनों शरीक हैं, जिसको मुशारका कहते हैं, दोनों पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो मार्केट के उसूल हैं उस हिसाब से उनका हिस्सा जो बनता है वो उसे आप दीजिए, और बिल्कुल दीजिए। वो अगर रिटर्न हो रहा है, कारोबार में कैपिटल में मजीद बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसके हिस्से को बढ़ाइए, अकाउंट्स को बिल्कुल क्लियर करके रखिए, ताकि कल किसी मेरी दूसरे वारिस के साथ कोई ज्यादती ना हो। या फिर उसको आप शरीक करते हैं, उसको कुछ परसेंटेज इस किस्म की उसके साथ रखिए कि उसको वर्किंग पार्टनर के तौर पर अपने साथ शामिल कीजिए। ये वर्किंग पार्टनर है, उसका 20%, 25%, 30% जो मार्केट में एक बनता है उस हिसाब से उसका हिस्सा मुतय्यन कीजिए, उसको वो दीजिए हर महीने, 2 महीने, 4 महीने, जो आपके कारोबार का हिसाब किताब बनता है उसको वो दीजिए। वो चाहे अपनी मर्ज़ी से कोई अपनी कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहे बाहर, वो ख़रीदे बनाए, क्योंकि मेहनत कर रहा है, वो चाहता है ये पैसा मेरा वापस इस कारोबार में लग जाए, आप वापस लगा लीजिए। अब उसके हिस्से को, उसके शेयर को मुतय्यन कीजिए, शेयर जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस बच्चे के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए। ये कारोबार में अगर शरीक हुआ है, ये कारोबार में अगर साथ आया है, तो इसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। इसकी मेहनत वो मेहनत नहीं है जो एक आम मुलाजिम की मेहनत है, ये एक बात जहन में हो। हम ये उन लोगों की बात है जो अभी ज़िंदा है, जो फौत होकर जा चुके हैं, उनके मसले झगड़े हैं, उसकी नौयत तो और ही है, मुख्तलिफ है। क्योंकि होता यही है कि एक दो बेटे कारोबार में साथ होते हैं मेरे, मैं दुनिया से चला गया, आगे मेरी बेटियाँ हैं, कुछ 2-3 बेटे छोटे थे, बच्चे थे, अब बाद में वो चूँकि मेरी घरवाली भी थी, उनकी वालदा, उन्होंने कहा जी वालदा हैं, घर है, मामला चल रहे हैं, उनका खर्चा पानी निकल रहा है, वो कारोबार उसी तरीके से चलता रहता है, 2 बेटे चलाते रहते हैं, एक बेटा चलाता रहता है, घर का खर्चा भी निकलता रहता है। 20-25 साल के बाद आजकल जो ख़ानदानों के झगड़े सारे के सारे आम तौर पर इसी तरह हैं कि जो एक भाई ने कमाया, लगाया, खाया, अब 2 तरह की सिचुएशन सामने आती है, तो भाई सब की सब चीज़ पर काबिज है, ये मेरी है, मैंने मेहनत से बनाई है। अब्बा जब मरे थे तो एक दुकान थी, वो तो छोटा सा कारोबार था, वो तो छोटी सी चीज़ थी, मैंने मेहनत करके बनाया है, बहन भाइयों का सारा हिस्सा गया। वो कैपिटल बढ़ना चाहिए था ना, उस कैपिटल में इसका हिस्सा होता, लेकिन वो कैपिटल बढ़ा है, इस आदमी की अपनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी। या फिर ये होता है कि अगर दूसरे बहन भाई मजबूत होते हैं, वो इस भाई को नौकर की हैसियत में लाकर बिल्कुल सब कुछ इससे छीन लेते हैं, ये अपने सड़क पर आ गया, अपनी जवानी सब कुछ लगाकर जब एंड में पहुंचा, अब दोबारा पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, इसको निकाल के बाहर कर दिया, अब ये आदमी एक नौकर की हैसियत से खड़ा है, ये भी इसके साथ जुर्म है। जो कज़िए हैं, जो मसले हैं, उनको बिल्कुल समझ कर हल करना चाहिए, ताकि ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। ये आदमी जिसने मेहनत की है, इसके हिस्से को भी उसी तरीके से मार्केट के उसूलों के हिसाब से तय किया जाए, क्योंकि उसने मालकाना तौर पर मेहनत की है, और जो बड़ी है चीज़ जिसके अंदर इजाफा हुआ है, वो कैपिटल भी है, वो उस आदमी का था जो फौत हो गया, जो वालिद था, जो जिसका असली माल था, बाद में जो चीज़ बड़ी है वो सबका माल बड़ा है। सही मुस्लिम की वजह से ना, गार के अंदर 3 लोग फंसे, उन्होंने दुआ की, गार का मुंह बंद हो गया, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बनी इसराइल के वो 3 लोग थे, तीनों ने अपने अपने एक नेक अमल को पेश किया। वाकया तवील है, वक्त नहीं है इतनी तफसील से बयान करने का। जो एक शख्स था, उसने कहा अल्लाह ताला से दुआ करते हुए मैंने एक मजदूर को मजदूरी पर लगाया, उसने मजदूरी की, जब उजरत देने का वक्त आया मेरा उसका इख्तलाफ हो गया, उजरत लिए बगैर चला गया, उसकी उजरत को मैंने
अपने कामकाज में लगाया, उससे बकरियां ली और रेवड़ बन गया। कई सालों के बाद वो आया, मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई ये तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी उजरत से बनाया हुआ सारा का सारा माल है। उसने सब कुछ लिया, मुड़कर भी नहीं देखा और चला गया। ये तो उसकी नेकी थी ना, वो नेकी उसने अल्लाह की बारगाह में पेश किया कि उसने अपना हिस्सा भी उसको गोया के दे दिया। तो जो चीज़ बड़ी वो क्या बड़ी, उसकी वो थोड़ी सी उजरत थी जो आज कई सालों के बाद उसने एक रेवड़ की शक्ल में हासिल की। इसी तरीके से अगर वालिद फौत हुए, एक छोटा सा कारोबार है, दुकान एक है, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर छोटी सी चंद चीज़ें हैं, अब जो कुछ बढ़ रहा है इससे, आप जो चीज़ जो एसेट्स बना रहे हैं, जो प्लॉट्स खरीद रहे हैं, जो जायदादें बन रही हैं, जो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, वो ये चीज़ बढ़ रही है। हाँ, उसमें जो काम करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है बहसीत मालिक के, उसका हिस्सा मार्केट के हिसाब से तय होना चाहिए कि जी इनका हिस्सा बनता क्या है। ये चीज़ पुरानों के लिए भी है, ये चीज़ नए लोगों के लिए भी है कि अपनी औलाद के लिए हिस्सा मुतय्यन करके।